आप देख रहे हैं उत्तराखंड का नंबर वन डिजिटल चैनल उत्तराखंड खबर। नमस्कार, स्वागत है आपका उत्तराखंड खबर में। बद्रीनाथ धाम में श्री सत्य साई द्वारा गरीब लोगों को राशन वितरण किया गया। चारों धामों में सर्वश्रेष्ठ धाम बद्री धाम, जहां पर मोक्ष की प्राप्ति होती है, जहां पर स्वयं विष्णु नारायण जी निवास करते हैं। कहते हैं कि जहां बद्री नारायण जी रहते हैं उस भूमि को बैकुंठ कहते हैं, जिसके दर्शन हेतु हर साल हजारों लाखों की संख्या में श्रद्धालु बद्री धाम के दर्शन करते हैं। आज उसी भूमि में विष्णु भगवान की जन्मस्थली कही जाने वाली लीला डुंगी में सफाई अभियान का कार्यक्रम भी चलाया गया। बता दें कि पंडिकेश्वर की सभी महिलाएं मिलकर पूरे मंदिर प्रांगण से लेकर जगह जगह सफाई का अभियान चलाया गया, और साथ में श्री सत्य साई मिशन द्वारा सभी गरीब लोगों के लिए राशन भी वितरण किया गया। महिलाओं ने विष्णु मंदिर में भजन कीर्तन का आयोजन भी किया। महिलाओं द्वारा सुंदर प्रस्तुति बद्रीनाथ में आज काफी देर तक लीला डूंगी नामक जगह पर देखने को मिली। हालांकि बद्री विशाल के कापाट आजकल 6 माह के लिए खोल दिए गए हैं, लेकिन अभी बाहरी लोगों के लिए प्रवेश बंद किया गया है। तस्वीरें बयां कर रही हैं कि किस प्रकार विष्णु धाम में गरीब तथ्य के लोगों के लिए श्री साई ट्रस्ट द्वारा गरीब लोगों के लिए राशन वितरण किया जा रहा है। पंडकेश्वर गांव की सरपंच श्रीमती संगीता देवी, श्री सत्य साई मिशन के अध्यक्ष धीरज मेहता, आशीष कानी, सूरज पवार, विपुल मेहता, धर्मेंद्र भंडारी आदि लोग मौजूद रहे। उत्तराखंड खबर के लिए देखिए जोशीमठ से नवीन भंडारी की रिपोर्ट।